इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश के बरेली से, जहां चार्जिंग के दौरान एक इलेक्ट्रिक बस में जोरदार धमाका हो गया। इसकी चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलेक्ट्रिक बस में धमाका किन वजह से हुआ, ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। मामले की छानबीन की जा रही है ताकि असली कारणों का पता चल सके। जानकारी के अनुसार चार्जिंग के दौरान इलेक्ट्रिक बस में धमाके की ये घटना बरेली के किला थाना क्षेत्र की है। इलेक्ट्रिक बस इसी इलाके में एक चार्जिंग स्टेशन पर चार्ज में लगी हुई थी, उसी वक्त बस में अचानक एक धमाका हुआ। इसकी चपेट में आने से जहां एक शख्स की मौत हुई, वहीं दो अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। बस में धमाके से घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल मच गया था। बस में धमाके की सूचना मिलने के बाद मौके पर जिला अधिकारी, एसएसपी, एसपी सिटी समेत अन्य उच्च अधिकारी पहुंच गए हैं। घटनास्थल का मौका मुआयना भी किया गया। बरेली के कलेक्टर ने इलेक्ट्रिक बस में विस्फोट की वजह के बारे में जानकारी दी है। इस पूरे घटनाक्रम पर बरेली के कलेक्टर शिवाकांत द्विवेदी ने बताया कि चार्जिंग स्टेशन पर कंप्रेसर या किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ये ब्लास्ट हुआ है। इस हादसे में एक व्यक्ति की जो मौत हुई है उसे मैकेनिक बताया जा रहा है और इसी के साथ दो अन्य लोग घायल हैं। नगर निगम की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। फिलहाल घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है।